हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज। कैसे हो दोस्तों? तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट सेशन, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज यू नो दोस्तों, कि गेट बिल्कुल अप्रोच करने वाला है और हम लोग जो स्टडी ऑफ मटेरियल को पढ़ रहे हैं वो एज अ क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जनरली बच्चे इसको भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सोम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बेंडिंग है या टॉर्शन है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, पूरा सोम ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज स्पेशली फॉर द थिन सिलेंडर। ठीक है, थिन सिलेंडर, दैट इज अ थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। तो थिन सिलेंडर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज मैं आपको, थिन सिलेंडर के ऊपर। तो दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्पीप नहीं करना है, दो तीन फॉर्मूले इसके अंदर यूज होते हैं और उन्हीं दो तीन फॉर्मूले से कई तरह के क्वेश्चन गेट में बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो दिस इज माई प्रॉमिस कि इट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। As you can see, this is my name and कई बार मैं अपने बारे में बता चुका हूँ, तो I won't take more time here. ठीक है friends, now मैं दो topic अभी फिलहाल दो subjects YouTube के ऊपर Unacademy Studios पर पढ़ा रहा हूँ, जो कि free of cost है, आप लोग उसको free में देख सकते हैं। था मॉर्निंग में मैं 11 AM to 11:30 और यू कैन से 11:45 मिनट का लेक्चर मॉर्निंग में ले रहा हूँ मैं। इट इज स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। And apart from that, 9 PM to 9:30 PM, I'm taking SOM, that is a mechanics of solid, you can also say MOS या SOM भी इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको मैं बेटा पढ़ा रहा हूँ एक घंटा। ठीक है, 9 PM to 10 PM। ठीक है, तो दो लेक्चर चल रहे हो, ये दोनों ही चीज़ें क्रैश कोर्स की तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, एज अ क्रैश कोर्स फॉर द गेट 2020 फॉर गेट 20। बट अ गुड न्यूज फॉर यू, मैंने रिसेंटली प्लस पे अनअकैडमी प्लस पे कोर्स स्टार्ट किया फॉर द गेट 2021। ठीक है, दैट इज अ फुल लेंथ कोर्स। ठीक है, फुल लेंथ कोर्स है गेट 2021 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा फुल डेप्थ में उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, एक एक चीज आपके दिमाग में घुसेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स, जो भी आपकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस द बेस्ट वे टू लर्न गेट ऑनलाइन। ठीक है, वाई शुड वी ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, बिकॉज ये जो अनअकैडमी है ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को हायर कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इन द डिफरेंट फील्ड्स, लाइक ऐसा नहीं है कि केवल गेट या इंजीनियरिंग की फील्ड में ही है, नॉन टेक्निकल भी बहुत सारे कोर्सेज ये अवेलेबल करवा रहे हैं, लाइक IAS, IFS, इसके अलावा IELTS के कोर्स है, IAS रेलवेज के कोर्स है, तो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसलिए मतलब इंडिया का लार्जेस्ट ये प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और रही बात गेट और IAS की, गेट प्लस IAS की अगर मैं बात करूँ, जिसको हम ESE आजकल बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, तो दोस्तों अगर हम इन दोनों टॉपिक की बात करें तो इंडिया के वो एजुकेटर्स इन दो सब्जेक्ट दो एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका कभी कभी सपना होता है कि मैं इनके ऐसा बनना चाहता हूँ, वो एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो ऑलरेडी गेट के टॉपर्स हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग में है फॉर एग्जाम्पल, या जो ESE के टॉपर्स रह चुके हैं, ESE की जॉब को छोड़ के आ रखे हैं, वो लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, नाउ इसमें कई सारी खूबियां हैं, एज यू कैन सी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेड्यूल आपको मिलता है, लैंग्वेज की चॉइस आपके पास अवेलेबल है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, यस अपने एजुकेटर से चैट पे बात कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पोल में हिस्सा ले सकते हैं, इसके अलावा लर्न एनी टाइम एनी वेयर, दिस द बेस्ट थिंग ऑफ द अनअकैडमी प्लस, कि आप कहीं भी बैठ के कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दोस्तों कई सारे सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी आपको देता है, सब्सक्रिप्शन की चॉइस आपके पास अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स में नहीं होती है। ठीक है, आप एक महीने के लिए पढ़ना चाहते हैं, एक महीने का है, तीन के लिए पढ़ना चाहते हैं, तीन का है, छः का है, 12 का है और 24 का है। ठीक है, तो कई सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन ले लें और सब्सक्रिप्शन की चॉइस को भी थोड़ा समझ लें। अगर आप सेकेंड ईयर में, देन यू कैन गो फॉर 24 मंथ, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो यू कैन गो फॉर 12 मंथ। ठीक है, मतलब आप अगर गेट 2021 देने वाले हैं तो आपको एक साल का एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए,
ताकि आपका सारा कवरेज उसके अंदर आ जाए। ठीक है, कोड क्या डालना है आपको, आप सुनिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे क्या करते हैं सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट किया, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। बट आपको एक चीज़ ध्यान से सुननी है, ये एक यूनिक रेफरल कोड है, दैट इज द GPS लाइव। अगर आप इस कोड को डालते हैं तो आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, मतलब आपकी बचत होती है। तो मैं देख रहा हूँ कई बार बच्चों के पेपर मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया है, सर GPS लाइव कोड डालना भूल गए थे, सर आप कुछ हो सकता है। तो बेटा ऐसे केसेस में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको पेमेंट करने से पहले इस कोड को डालना होगा, ये एक रेफरल कोड है। जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मेरे बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्लीज़ इस कोड को जरूर डाल दें। और इस कोड को डालने का मतलब होगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल रेफरल कोड है, इस बात का मतलब ये होगा कि अगर आप इस कोड को डालते हैं तो आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और मैं आपको टाइम टू टाइम अपनी गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, एंड दिस इज माय प्रॉमिस कि अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट, फिलहाल मैं 2 सब्जेक्ट फिलहाल लेने वाला हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड द प्रोडक्शन, बट जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं तो मैं इसमें FM और इंडियन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को भी ऐड करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 सब्जेक्ट मैं 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, तो बहुत बड़ा पोर्शन मैं यहाँ पर डील करूँगा। एंड दिस इज माई प्रॉमिस कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, गेट या IES सेक्शन को चूज करना है, यहाँ से सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 24 मंथ जिसकी टोटल फी 40K है, मतलब 40,000 है। ठीक है, 2 साल की फी 40,000, लेकिन जैसे आप GPS लाइव कोड डालेंगे ये फीस 36,000 रह जाएगी बच्चों। और अगर आप इसको 24 मंथ से डिवाइड कर दें तो इट विल कमिंग आउट 1500 रुपीज़ पर मंथ। 1500 रुपीज़ पर मंथ बेटा ये फीस आपको पढ़ने वाली है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा महंगी है। तो जस्ट थिंक फॉर योर फ्यूचर, जस्ट थिंक फॉर योर करियर, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते तो ये भी ज़्यादा नहीं है, ये करीब आपको 2000 पर मंथ पढ़ने वाली है आफ्टर पुटिंग दिस GPS लाइव कोड। ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ कितनी पड़ेगी। अगर आप GPS लाइव कोड डालते हैं तो आपको 22,500 पे करना होगा, डिवाइडेड बाई 12, 1875। मैं भी गलत हूँ यहाँ पे, 1875 ये फीस आपको पढ़ने वाली है, 1875 पर मंथ। माइंड इट प्लीज, आई डोंट फील कि कोई बुरी चीज़ है दोस्तों, 1875 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप अपने बेटरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये बिल्कुल परम सत्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, द टॉपिक इज प्रेशर वेसल, और प्रेशर वेसल में भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द थिन सिलेंडर, जो हमारे स्पेसिफिकली कोर्स में दे रखा है। ठीक है, तो थिन सिलेंडर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन आज लगाने वाले हैं, थिक सिलेंडर गेट के सिलेबस में नहीं है। और आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि मैं यहाँ पर गेट का सिलेबस ही कवर कर रहा हूँ, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द थिन प्रेशर वेसल्स, थिन प्रेशर वेसल्स। ठीक है, अब थिन प्रेशर वेसल में 2 आ जाएंगे दोस्तों, एक हो जाएगा थिन सिलेंडर, एक हो जाएगा थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, एक थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, PV लिख देता हूँ शॉर्ट में, एक हो जाएगा थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमारे कोर्स में है, ये 2 बातें हमें कोर्स में हमारे गेट के सिलेबस में है जो हमें अच्छे से पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे इसको मूव करते हैं अब। तो देखिए इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा प्लस में, फिलहाल अभी आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि 2 स्ट्रेसेस हमारे इस केस में होने वाली हैं। ठीक है, एक होगी हुप स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेस, हुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थिन सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रेसेस इन थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, ये कैसे इनके फॉर्मूला आएंगे सब बात की बात है, बस फिलहाल अभी आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहली जो स्ट्रेस होगी दैट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस, और हुप स्ट्रेस। ठीक है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और द हुप स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जाएगा दोस्तों सिग्मा एच इक्वल टू PD upon 2T, where sigma h representing the hoop stress, P
where P is internal pressure. ठीक है, D is internal diameter, T is wall thickness, T is wall thickness. ठीक है दोस्तों, T is the wall thickness. तो आप इसको put करेंगे और आपको एक cylindrical pressure vessel के लिए hoop stress का formula, आपको hoop stress की value पता चल जाएगी. ठीक है, empirical relation नहीं है, इसको हम किसी भी यूनिट में रख सकते हैं, तो यूनिट का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक स्ट्रेस और काम करती है, दिस इज कॉल्ड द व्हिच इज कॉल्ड एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है, इसको हम सिग्मा ए से रिप्रेजेंट करेंगे. सिग्मा ए इज सेम फॉर्मूला, पीडी अपॉन 40, खत्म. वहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4. इसको बोल देंगे हम एक्सियल स्ट्रेस. ठीक है, इफ दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2, देन वी कैन सी इजीली फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन इजीली सी कि जो हुब स्ट्रेस होता है वो दोगुना होता है एक्सियल स्ट्रेस के. ठीक है, डिवाइड करके देख लेना दोनों इक्वेशंस को, आपको सब सब साफ साफ दिख जाएगा कि दो गुना आ रहा है, यानी कि हुब स्ट्रेस ज्यादा बड़ी होती है एक्सियल स्ट्रेस से. ठीक है, यानी हुब स्ट्रेस ज्यादा बड़ी होती है एक्सियल स्ट्रेस से, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द हुब स्ट्रेस साफ साफ दिख रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द हुब स्ट्रेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सियल स्ट्रेस. यानी कि जब भी आप एक थिन सिलेंडर की डिजाइनिंग करेंगे, दैट शुड बी डन फॉर हुब स्ट्रेस, क्योंकि हुप स्ट्रेस ज्यादा डेवलप हो रही है, तो हम ज्यादा वाली चीज, मतलब स्ट्रेस का मतलब दर्द, सिर दर्द एक तरह से, है ना. स्ट्रेस हमेशा, हमने मैंने पहले भी बताया स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो बॉडी के अंदर काम करती है दोस्तों, तो बॉडी के अंदर की प्रॉपर्टी है. अब स्ट्रेस जितनी स्ट्रेस, अब मैं बोलूंगा स्ट्रेस मतलब जैसे हमारे सिर में दर्द होता है तो हम बोलते हैं सिर में, मैं मतलब अंदर, सिर के अंदर दर्द हो रहा है, तो आप कम, और एक मैं बोलूं कि हाथ के अंदर दर्द हो रहा है, मान के चलो कि ये सिर वाला, सर वाला दर्द है और ये हाथ वाला दर्द है. एक्सियल स्ट्रेस मान लो हाथ के अंदर दर्द है और ये सर के अंदर दर्द है, तो सर के अंदर दर्द ज्यादा है तो आप किसके लिए दवाई इलाज पहले करोगे, जिसके अंदर ज्यादा दर्द है उसके लिए करेंगे. तो इट इज ऑब्वियस ट्रू कि अगर डिजाइनिंग जो हमें करनी है वो हुब स्ट्रेस के लिए करनी है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ हुब स्ट्रेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्सियल स्ट्रेस. तो ऑलवेज रिमेंबर, डिजाइनिंग ऑफ अ थिन सिलेंडर, डिजाइनिंग ऑफ अ थिन सिलेंडर शुड बी डन फॉर हुप स्ट्रेस, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो हम पहले ज्यादा वाली स्ट्रेस में, क्योंकि अगर उसमें, अगर हुप स्ट्रेस को हमारा मटेरियल झेल पा रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि एक्सियल को तो वो वैसे ही झेल लेगा, क्योंकि हुप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है. तो अगर हमारा थिन सिलेंडर जो आप बनाने जा रहे हो, वो थिन सिलेंडर अगर हुप स्ट्रेस की वैल्यू को झेल पा रहा है, तो इट इज ऑब्वियस कि एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू को वो ऑटोमेटिकली झेल लेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है. ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर, जो थिन सिलेंडर होता है, इसके अलावा एक रेडियल स्ट्रेस और होती है जो आपके काम की फिलहाल नहीं है. तो एक थिन सिलेंडर के अंदर दो ही स्ट्रेस मेनली काम करती है, यानी कि थिन सिलेंडर की अगर मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करूं, state of stress of a thin cylinder, state of stress of a thin cylinder की बात करूं दोस्तों, तो thin cylinder एक plane stress की तरह काम करता है. ठीक है, thin cylinder is a case of the plane stress, क्योंकि इसमें एक बार दो ही stresses काम करती हैं, एक काम करती है hoop stress और एक काम करती है एक्सियल स्ट्रेस. यानी थिन सिलेंडर की जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होती है, अगर इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें स्ट्रेस टेंसर के थ्रू, तो सिग्मा हुप, सिग्मा एक्सियल, जीरो जीरो. तो दिस इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ अ थिन सिलेंडर. ठीक है, सिमिलरली अगर स्फेरिकल प्रेशर वेसल की बात करें, तो स्ट्रेसेस इन स्फेरिकल प्रेशर वेसल, थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल, तो दोस्तों उसमें केवल और केवल
हूप स्ट्रेस होती है क्योंकि उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन नहीं होती है, या मैं बोलूँ वो अगर एक स्क्वायर की बात करें तो चारों सारी डायरेक्शन सारे तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो तीनों डायरेक्शन में जो उसकी डायमेंशन होगी क्या होगी, डायमीटर होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूँ तो सिलेंडर के अंदर दोस्तों लेंथ भी होती है, ठीक है, लेंथ भी है प्लस इसका इंटरनल डायमीटर भी है कुछ, है ना, उसके अलावा थिकनेस भी है। लेकिन अगर हम स्फेरिकल प्रेशर वेसल की बात करें तो उसके अंदर लेंथ नहीं होती, उसके अंदर डायमीटर होता है। तो उस केस में चारों तरफ जो मतलब जो तीनों डायमेंशन में जो एक तरह से बात करूं मैं, जो उसकी तीनों डायमेंशन है वो डायमीटर है, तो वहां पे केवल एक ही स्ट्रेस डेवलप होती है, दैट इज अ होप स्ट्रेस। और इस केस में इसका फॉर्मूला होता है, लिसन केयरफुली, पी डी अपॉन 4t, ठीक है, वेयर पी इज द इंटरनल प्रेशर, डी इज द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल, टी इज द वॉल थिकनेस, दिस इज द इक्वेशन 3, ठीक है। तो लिसन केयरफुली, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 ये है और इक्वेशन 1 कहाँ थी दोस्तों, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 है इज द फॉर्मूला फॉर द हूप स्ट्रेस फॉर सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, और इक्वेशन 3 है हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल प्रेशर वेसल। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा, हूप स्ट्रेस फॉर सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल, डिवाइड कर लेते हैं चलिए, हूप स्ट्रेस फॉर स्फेरिकल प्रेशर वेसल इक्वल टू, दोनों का फॉर्मूला पुट करते हैं, पी डी अपॉन 2t डिवाइडेड बाय पी डी अपॉन 4t, टी से टी गया, डी से डी गया, पी से पी गया, 2 से गया 1/2 टाइम, तो जा गया 2। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि सिग्मा हूप इन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल इज ग्रेटर देन इज अगेन ट्वाइस दैट ऑफ सिग्मा हूप ऑफ स्फेरिकल प्रेशर वेसल। यानी कि अब अगर हम हूप स्ट्रेस को ही कंपेयर कर रहे हैं तो दो केसेस हैं, एक है सिलेंडर का केस और एक है स्फेरिकल प्रेशर वेसल का केस। तो सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल की हूप स्ट्रेस ज्यादा होती है, वाइल एक स्फेरिकल प्रेशर वेसल की हूप स्ट्रेस कम होती है, ठीक है। यानी कि फॉर द सेम इंटरनल प्रेशर सेम डायमेंशन हूप स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड स्फेरिकल प्रेशर वेसल इज लेस देन दैट ऑफ हूप स्ट्रेस जनरेटेड इन द सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। यानी कि हूप स्ट्रेस सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल की ज्यादा है और हूप स्ट्रेस स्फेरिकल प्रेशर वेसल की कम है। इस बात का सिंपल सा मतलब है कि अगर सेम डायमेंशन है सेम इंटरनल प्रेशर है तो स्फेरिकल के अंदर कम स्ट्रेस आएगी, इसलिए हम स्टोरेज के पर्पस में किसको यूज करेंगे, स्फेरिकल को यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी फ्लूड को हमें स्टोर करना होगा तो हम किसको यूज करेंगे, स्फेरिकल प्रेशर वेसल को यूज करेंगे, आ स्फेरिकल प्रेशर वेसल शुड बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्लूड बिकॉज इट इज हैविंग द लोअर वैल्यू ऑफ हूप स्ट्रेस, बिकॉज इट इज हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल वर्ड, बाकी इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, कैसे हुप कैसे थिन सिलेंडर बनाया जाता है, कहाँ पे क्रैक आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब बातें बेटा प्लस में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं गेट 2021 के लिए कोर्स स्टार्ट करूंगा, बट फिलहाल अभी हम गेट 2020 के लिए पढ़ रहे हैं तो बस क्रैश कोर्स की तरह पढ़ते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों 3 फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला बेसिकली बात करी है, तो ये याद कर लो PD अपॉन 2T, इसी को कर दो PD अपॉन 4T तो ये एक्सियल स्ट्रेस बन जाएगा, और इधर स्फेरिकल के केस में PD अपॉन 4T हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन 3 फॉर्मूला है, उन 3 फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे पहले एक 54 वर्ग का क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, ठीक। 54 वर्ग का क्वेश्चन ये है कि अ थिन सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस, ठीक है, अ थिन सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस 500 mm, इनर रेडियस आपको दे रखी है, इनर रेडियस RI इक्वल टू 500 mm, ठीक है, एंड थिकनेस 10 mm, टी आपको दे रखा है 10 mm, ठीक है, सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 5 MPa, पी इंटरनल आपको दे रखा, पी आई बोल लो या सिंपली पी बोल लो, एक ही चीज है, दैट इज अ 5 MPa, डिटरमाइन द एवरेज सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, मतलब वही हूप स्ट्रेस आपसे पूछ रहा है, डिटरमाइन द हूप स्ट्रेस,
चवन्नी भर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गेट में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हुप स्ट्रेस कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू है 5 × 10^2, मेगा को कन्वर्ट कर दिया मैंने, पास्कल में 10^6 कर दिया। डी डायमीटर कितना है दोस्तों, अगर ये इंटरनल रेडियस 500 mm है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 1000 × थिकनेस कितनी है 10 × 10^-3 meter में कन्वर्ट कर लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 5 × 10^6 × 1000, अच्छा ये mm था, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं चाहो तो आप, ठीक है सारी चीज़ों को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डायमेंशन से खेलना बेटा आपका काम है कि किस यूनिट से आप सॉल्व कर रहे हो। इट इज कमिंग आउट 250, ठीक है, तो सिग्मा हुप इज कमिंग आउट, मैंने सारा डिवाइड वाइड करके डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, 250 MPa। खत्म, बकवास क्वेश्चन एकदम, ठीक है इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन है अ थिन गैस सिलेंडर विद एन इंटरनल रेडियस ऑफ, अ थिन गैस सिलेंडर, अ थिन गैस सिलेंडर विद एन इंटरनल रेडियस ऑफ विद एन इंटरनल रेडियस ऑफ 100 mm इज सब्जेक्टेड टू, इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ, इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 10 MPa, इंटरनल प्रेशर ऑफ 10 MPa द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू, इज रेस्ट्रिक्टेड टू 100 MPa, द मिनिमम सिलेंडर वॉल थिकनेस, द मिनिमम सिलेंडर वॉल थिकनेस इन mm, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको थिकनेस पूछी गई है, आपको परमिसिबल स्ट्रेस दे गई है, तो ठीक है दोस्तों, तो आगे मूव करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार, कैसे इसको सॉल्व करना है हमें। तो नाउ आपको परमिसिबल स्ट्रेस दी गई है, एट यू कैन से अलाउएबल स्ट्रेस, तो अलाउएबल स्ट्रेस आपको दी हुई है, अलाउएबल स्ट्रेस इक्वल टू 100 MPa। अब मैंने आपको बताया कि कौन सी स्ट्रेस ज़्यादा होती है, हुप स्ट्रेस ज़्यादा होती है, कौन सा सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, ठीक है। तो जो हुप स्ट्रेस है, दैट इज द हुप स्ट्रेस फॉर द सेफ डिजाइन, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू अलाउएबल स्ट्रेस, क्योंकि अगर हुप स्ट्रेस की वैल्यू से ज़्यादा हो गई तो ये फेल कर जाएगा। तो हुप स्ट्रेस अलाउएबल से कम होनी चाहिए, तो हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, PD/2T शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना 100 MPa। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, P की जगह पर मैंने पुट कर दिया 10 MPa, ठीक है। डी की जगह पे पुट कर दिया मैंने इनटू डायमीटर हो जाएगा 200 mm डिवाइडेड बाय 2, थिकनेस आपसे वो पूछ रहा है, शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 MPa, मेगा पास्कल से मेगा पास्कल कैंसिल आउट, 10 से ये
एक बार गया, दो से ये 100 बार गया, तो यहाँ बचेगा 100 mm अपॉन, यहाँ 10 बचेगा, 10 को नीचे ले आया और लेस देन इक्वल टू टी को मैं इधर ले गया, 10 से 10 गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी बड़ा होना चाहिए या कम होना चाहिए किससे, बड़ा या बराबर होना चाहिए एटलीस्ट 10 mm, यानी मिनिमम थिकनेस 10 mm होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, तब जाके वो सेफ रहेगा। समझ में आ रहा है, कितनी होनी चाहिए 10 mm। तो दिस इज द आंसर, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। A city water main of diameter 500 mm carries water at a head of 100 meter. City water main of diameter 500 mm carries water at a head of 100 meter. ठीक है, वॉल थिकनेस ऑफ सिटी वॉटर मेन इज, सिटी वॉटर मेन इज 10 mm, डिटरमाइन the hoop stress। इस तरह क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है गेट के पेपर में दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिटी वाटर मेन का मतलब है पाइप। ठीक है, सिटी वाटर मेन का कुल मिलाकर मतलब है पाइप, एक वाटर की पाइप है। ठीक है, तो उसके लिए आपसे पूछ रहा है हूप स्ट्रेस बताइए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, अब ये वाटर की पाइप क्या है, तो कैसे इसको मैं समझाऊं आपको। इमेजिन करो कि ये एक टैप है, ये पानी का एक नलका है। ठीक है, ये पानी का एक नलका है और ये पानी का नलका है और एक रबड़ का पाइप पड़ा हुआ है। ये रबड़ का पाइप यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब रबड़ के पाइप को, और आप जानते हो जब इसे रबड़ का पाइप साइड में पड़ा हुआ तो इसकी वॉल चिपक जाती है। इसकी जो दीवारें हैं इस पाइप की, रबड़ का पाइप है, गर्मी के दिन पड़ रहे हैं, गर्मी के दिन है तो रबड़ की जो पाइप की वॉल्स है वो चिपक जाती हैं। अब आप क्या करते हो, इस पाइप को उठा के इसके अंदर लगाते हो ऐसे करके, और आप देखोगे कि इसकी पाइप का जो जो वॉल है वो चिपकी हुई है। पाइप की वॉल इस तरह से चिपकी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, पाइप की वॉल्स लाइक दिस चिपकी हुई है। लेकिन जैसे आप टैप को ओपन करते हो, जैसे वंस वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, जैसे ही वाटर स्टार्ट करता है फ्लो होना, व्हाट विल हैपन, ये पाइप एकदम से मोटी हो जाती है, इसके अंदर पानी का फ्लो आ जाता है और ये पाइप इस तरह से मोटी हो जाती है। तो इट इज वेरी ट्रू कि जैसे ही पानी का फ्लो आया, जैसे ही पानी का फ्लो आया तो उस पानी ने इसके ऊपर प्रेशर मारा, उस प्रेशर की वजह से ये इसकी जो वॉल्स हैं वो चौड़ी हो गई, जो चिपकी हुई थी वो दूर दूर खिसक जाएंगी। वेरी सिंपल, जो वॉल्स अभी चिपकी हुई थी पाइप की वो वॉल्स खिसक जाएंगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से अगर मैं इमेजिन करूं, अगर ये पाइप का मैं फ्रंट क्रॉस सेक्शन देखूं तो इसके अंदर लिक्विड है और वो लिक्विड क्या कर रहा है, वो लिक्विड इसके अंदर एक प्रेशर मान रहा है जिसकी प्रेशर की वजह से ये ऊपर की तरफ इस तरह से मोटी हो गई है। दिस इज कॉल्ड द पाइप। तो पाइप के अंदर कहीं ना कहीं इसके डायमीटर को इंक्रीज करने का प्रयास कर रही है, यानी कि पाइप के अंदर पूरी सर्कमफेरेंस पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस है और सर्कमफेरेंस पर स्ट्रेस होती है, दैट इज कॉल्ड द हूप स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द हूप स्ट्रेस। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड द हूप स्ट्रेस। तो अगर मैं हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा दूं उसमें, तो हूप स्ट्रेस होता है पी डी अपॉन 2 टी। अब प्रेशर, प्रेशर के लिए उसने आपको एक टर्म दे रखा है, कैरीज वाटर एट अ हेड ऑफ दिस। तो दोस्तों सबसे पहले तो प्रेशर निकालो। ठीक है, प्रेशर कैसे निकलेगा, प्रेशर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, FM का फॉर्मूला लगा दीजिए, P इक्वल टू रो जी एच। रो की वैल्यू वाटर की कितनी होती है 1000, जी की वैल्यू होती है 9.81 और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू दे रखी है 100।
इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, नाइन एट वन ट्रिपल जीरो. तो प्रेशर इज कमिंग आउट 981000 पास्कल. तो ये प्रेशर निकल के आ गया. इस प्रेशर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो सिग्मा हुप कितना आ जाएगा, सिग्मा हुप आ जाएगा 981000 इंटू डायमीटर कितना दे रखा है, रेडियस दे रखी है डायमीटर 500 mm, इंटू 500 mm डिवाइडेड बाय 500 mm, ठीक है, टू इंटू थिकनेस कितनी दे रखी है, थिकनेस दे रखी है 10 mm. तो 10 इंटू, तो mm से mm कैंसिल आउट, उसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, इट इज कमिंग आउट 24. सिग्मा हुप इज कमिंग आउट 24.525 MPa. Let me check once again. Yes. 24.525 MPa. 10^6 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो इट इज कमिंग आउट 24.525 MPa. सिंपल. तो इट इज कमिंग आउट दिस. नाउ लिसनिंग केयरफुली व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर. तो ये तो हो गई हुप स्ट्रेस. अब अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिए आपसे पूछूं एक्सियल स्ट्रेस, डिटरमाइन द एक्सियल स्ट्रेस फॉर द सेम क्वेश्चन, डिटरमाइन एक्सियल स्ट्रेस. तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं एक्सियल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है PD/4T. और दूसरे केस में बात करूं तो एक्सियल स्ट्रेस आधी होती है किसके, हुप स्ट्रेस के. तो आप क्या करेंगे, 24.5252 को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे और आप बोलेंगे आंसर आ रहा है 12.26, है ना. तो क्योंकि आधी होती है PD/40, तो इसका जो आंसर आ रहा है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू दैट इज 12.262 MPa. और जैसे ही दोस्तों आपने ऐसा बोला, आंसर हो गया गलत. दिस इज द रॉन्ग आंसर. व्हाई इट इज सो, लिसन केयरफुली, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन है प्रेशर वेसल, अ सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल या थिन सिलिंड्रिकल अ थिन सिलेंडर, कहीं भी मेंशन नहीं है. पाइप इज नॉट द प्रेशर वेसल, माइंड इट प्लीज. प्रेशर वेसल की कंडीशन होती है, सुनिए, अगर मैं थिन सिलेंडर की बात कर रहा हूं, लिसन केयरफुली, अगर मैं थिन सिलेंडर बोल रहा हूं तो सिलेंडर के जो एंड होते हैं ये क्लोज होते हैं. कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं. सिलेंडर के एंड क्लोज होते हैं, सिलेंडर के एंड क्लोज होते हैं तो इसके अंदर जो फ्लूड होता है, इसके अंदर जो फ्लूड होता है वो फ्लूड प्रेशर मारता है किसके ऊपर, इनक्लोज्ड एंड्स के ऊपर. वो फ्लूड प्रेशर मारता है इन एंड्स के ऊपर, इधर ये जो क्लोज एंड है इनके ऊपर प्रेशर मारता है. और जब वो इन क्लोज एंड के ऊपर प्रेशर मारता है तो ये क्लोज एंड बाहर भागने का प्रयास करते हैं. और जब ये क्लोज एंड बाहर भागेंगे, इमेजिन करो ये पूरा एक इस तरह से सरफेस है, इस पर प्रेशर आ रहा है, तो ये सरफेस बाहर भागने का प्रयास करेगा. इधर से ये वाला जो सरफेस है, ये जो क्लोज एंड है, दिस द क्लोज एंड, ये क्लोज एंड बाहर भागने का प्रयास करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि फ्लूइड इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है. तो उस पी प्रेशर की वजह से ये जो एंड है ये बाहर भागने का प्रयास करेगा. और जब ये बाहर भागेगा, आउटवर्ड भागेगा, तो ये इस वॉल को अपनी तरफ खींचेगा, इस वॉल को एक्चुअली पुल करेगा, एक्चुअली पुल करेगा. और जब ये वॉल को एक्चुअली पुल करेगा तो इस वॉल के अंदर एक्सियल स्ट्रेस आएगी. क्या आएगी, इस वॉल के अंदर एक्सियल स्ट्रेस आएगी. और उस एक्सियल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है PD/4T. तो ये कब आती है, ये तब आती है जब एंड्स आर क्लोज्ड, एंड्स आर क्लोज्ड, जब एंड क्लोज होते हैं तब आती है. और इसको हम प्रेशर वेसल बोलते हैं. तो प्रेशर वेसल की पहली बात तो कंडीशन समझ लो, प्रेशर वेसल की जो कंडीशन है वो क्या है, एंड शुड बी क्लोज्ड, क्लोज्ड होना चाहिए. प्रेशर वेसल की डेफिनेशन है इज अ क्लोज कंटेनर. क्या होता है, क्लोज कंटेनर. तो पाइप की बात करते हैं, तो पाइप, दिस इज द पाइप. पाइप में मान लो यहां से फ्लूड फ्लो करना हमने चालू कर दिया, फ्लूड का फ्लो अंदर जा रहा है, तो क्या इसके एंड क्लोज होते हैं, क्या पाइप का एंड क्लोज होता है, नहीं, पाइप का एंड क्लोज नहीं होता. और पाइप का एंड अगर क्लोज नहीं है तो ये वाली कंडीशन उसमें लगेगी नहीं, ये वाली कंडीशन जब उसमें लगेगी नहीं तो उसका एंड बाहर भागेगा नहीं. जब एंड बाहर भागेगा नहीं तो इधर इसका जो एक्सिस है वो
एक्सियली एलोंगेट नहीं करेगा, या मैं बोलू इसका जो एक्सिस है, इसकी जो वॉल है, इस पाइप की जो वॉल है, वो एक्सियल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस फील ही नहीं करेगी। हाँ, डायमीटर वाइज ये फील करेगी क्योंकि इसके अंदर फ्लूड है, ये वाला केस, ये जो बताया मैंने अभी, ये फूलने वाला केस, तो डायमीटर वाइज ये काम करेगी, नो डाउट का डायमीटर इंक्रीज करेगा लाइक दिस। बट लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करें, इसके एक्सियल डायरेक्शन की बात करें, इसके एक्सिस की बात करें, तो इसके एक्सिस की तरफ कोई स्ट्रेस काम नहीं करेगी क्योंकि इसका एंड ओपन है और यहां से फ्लूड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। जब फ्लूड बाहर निकल गया तो वो वॉल को खींचेगा नहीं, जब समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, इस वाले केस में वॉल को वो खींचेगा क्योंकि एंड क्लोज है। एंड क्लोज है तो व्हाट विल हैपन, अगर एंड क्लोज है तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा, इस क्लोज एंड के ऊपर क्यों आएगा प्रेशर, क्योंकि फ्लूड है अंदर, वो प्रेशराइज फ्लूड है और ये एंड बाहर भागेगा। जब ये एंड बाहर भागने का प्रयास करेगा, ये बाहर भागना चाहेगा, तो ये जुड़ा किससे हुआ, ये इस वॉल से जुड़ा हुआ, ये वॉल जेरी, ये वॉल जेरी इस वॉल से जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, ये एंड, ये वाला एंड, ये एंड वॉल से जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, जब एंड बाहर भागेगा तो वो वॉल को खींचेगा। इस केस में यहां पर कोई एंड है ही नहीं, यहां पर ओपन एंड है, तो ये इस वॉल को खींचेगा ही नहीं, पुल नहीं करेगा। जब पुल नहीं करेगा तो एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो मेरे बच्चों, पाइप के केस में एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू होती है जीरो। क्या होती है, जीरो। तो इन केस ऑफ पाइप एक्सियल स्ट्रेस इज जीरो, माइंड इट प्लीज, ठीक है, इन केस ऑफ पाइप एक्सियल स्ट्रेस इज जीरो। बट हाँ, एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर फ्लूड, अगर ये एफएम का क्वेश्चन होता तो फिर शीयर स्ट्रेस काम करती है, बट वो एफएम में पढ़ते हैं हम लोग। बट सॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे एक्सियल स्ट्रेस पूछी जा रही है, तो फ्रॉम द सॉम पॉइंट ऑफ व्यू एक्सियल स्ट्रेस विल बी जीरो, बिकॉज इट इज पाइप, और पाइप का एंड क्या होता है, ओपन एंड होता है। कैसा एंड होता है, ओपन एंड होता है, और अगर ओपन एंड है तो फ्लूड बाहर निकल जाएगा। जब फ्लूड बाहर निकल जाएगा तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आएगा। इस केस में क्या है, एंड क्या है, ये एंड क्लोज है, और ये एंड किससे क्लोज है, एक प्लेट लगी हुई है ये, और ये प्लेट किससे जुड़ी है, इस वॉल से जुड़ी हुई है, ये वाली वॉल से, इस वॉल से ये प्लेट जुड़ी हुई है, इस वॉल को मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, ये वॉल से जुड़ी हुई है, और अगर ये वॉल से जुड़ी है तो ये प्लेट पर प्रेशर आया। अब ये प्लेट कहाँ भागेगी, बाहर भागेगी, सिमिलरली ये वाली प्लेट भी बाहर भागेगी, तो एक तरह से प्लेट पर फोर्स लग रहा है जो बाहर की तरफ काम करेगा, इस तरह से प्लेट को बाहर फेंकेगा, और प्लेट जब बाहर जाने का प्रयास करेगी तो ये किससे जुड़ी हुई है, वॉल से जुड़ी हुई है, ये वॉल से जुड़ी हुई है, ये वॉल है, तो ये वॉल को भी बाहर खींचेगी। और जब ये वॉल को बाहर खींचेगी तो क्या होगा दोस्तों, जब ये वॉल को बाहर खींचेगी तो इस वॉल में एक स्ट्रेस आएगी, दिस इज कॉल्ड द एक्सियल स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, PD/40। लेकिन ये कब आएगी, व्हेन द एंड्स आर क्लोज, या मैं बोलूं कि प्रेशर वेसल। अगर वो प्रेशर वेसल बोलता तो फिर अंडरस्टूड है कि प्रेशर वेसल की डेफिनेशन ही होती है क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर, बट पाइप इज नॉट द क्लोज कंटेनर। और अगर पाइप क्लोज कंटेनर नहीं है तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। आया समझ में इतना, ठीक है। तो इस केस में जो हुप स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, दैट इज जीरो, सॉरी एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू विल बी जीरो। तो हुप स्ट्रेस तो आएगी आएगी नो डाउट, क्योंकि हुप डायमीटर वाइज काम करती है, उसके डायमीटर को इंक्रीज करेगा एक तरह से प्रेशर। सो फ्रेंड्स, देयर वॉज इंटरप्शन ड्यू टू इंटरनेट फेलियर, इंटरनेट का कनेक्शन अचानक से बंद हो गया था। सो आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ ये वाला आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे पाइप की, तो पाइप के केस में मेरे बच्चों, पाइप के केस में जो एक्सियल स्ट्रेस होगा दैट विल बी जीरो, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, बाकी का बेटा थिन सिलेंडर का बचा हुआ पार्ट मैं कल कंप्लीट कर दूंगा, तो कीप वॉचिंग, ठीक है। आई होप कि इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो जब भी पाइप की बात होगी, पाइप का एंड ओपन होता है, और पाइप का एंड अगर ओपन है तो पाइप सबसे पहले आपको समझना होगा, पाइप इज नॉट इक्वल टू द प्रेशर वेसल। वो प्रेशर वेसल नहीं है, प्रेशर वेसल की कंडीशन क्या है, क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज कंटेनर को हम लोग प्रेशर वेसल बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं करना कि हुप स्ट्रेस तो निकाल लिया हमने और एक्सियल स्ट्रेस को उसका आधा कर दिया, हुप स्ट्रेस बाय टू, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। पाइप के केस में एक्सियल स्ट्रेस विल बी जीरो, क्योंकि ओपन एंड होता है उसका, है ना। एंड आर रिक्वायर्ड, क्लोज एंड आर रिक्वायर्ड टू जनरेट एक्सियल स्ट्रेस, माइंड इट प्लीज, क्लोज एंड्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी का टॉपिक कल कवर करूंगा, तो अगर आपको इतना टॉपिक समझ में आया दोस्तों, ठीक है, तो बस एक ही बात बोलता हूँ हमेशा, जो आपको पता है, तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं और कुछ चीज़ें समझ में आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। बाकी लाइक जरूर कर दीजिए और ये कोड GPS लाइव उन बच्चों को बता दीजिए जो नीडी हैं, जिनको वाकई में पढ़ाई करनी है, सीरियस प्रिपरेशन करनी है, तो इस कोड को डाल दें। मैं बार बार देख रहा हूँ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम कोड डालना भूल गए हैं, सर क्या करें। तो बेटा उस केस में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो बिफोर मेकिंग द पेमेंट यूज दिस कोड दैट इज द GPS लाइव एंड गेट द 10% एडिशनल डिस्काउंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड, मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल, मिलते हैं कल।